नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। भवानीपुर चुनाव में दीदी की बल्ले बल्ले, ममता 34,000 वोटों से आगे, बीजेपी हुई बेरंग। रेव पार्टी केस में शाहरुख के बेटे समेत 8 लोगों से पूछताछ कर रही है एनसीबी। कोरोना काल में महामारी एक्ट में दर्ज मुकदमे होंगे वापस, योगी सरकार का बड़ा फैसला। अभिनेता मनोज वाजपेयी के पिता का निधन, दिल्ली में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस। फ्रांस की चर्चों में बच्चों संग होती थी गंदी हरकत, हजारों पादरियों और स्टाफ का सालों पुराना कच्चा चिट्ठा खुला। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में किसानों ने डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री के हेलीपैड पर जमाया कब्जा, दिखाए काले झंडे। दिल्ली के सभी धार्मिक स्थल फिर खुले, श्रद्धालुओं को कोविड-19 गाइडलाइंस का करना होगा पालन। वायु प्रदूषण प्रबंधन एनसीपी के तहत दिल्ली को पहली बार मिलेगा ग्रीन फंड। मिहिर भोज प्रतिमा विवाद, गुर्जर स्वाभिमान समिति की बैठक में 5 प्रस्ताव पास, यूपी सरकार के माफी मांगने तक जारी रहेगा आंदोलन। हरियाणा गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर ने महिला से किया रेप, मेट्रो में सफर के दौरान हुई थी दोस्ती। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।